Hello, welcome back. Today in this video, we are going to do the exercise 3.7 of class 6 mathematics. Okay, this is a bit tricky exercise, but if you will understand those keywords, then it will become very easy to solve these questions. So let us start with this question number 1, which says, Renu purchases 2 bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg. Renu ne 2 bag kharide fertilizer ke, unka weight given hai 75 and 69 kg. You have to find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer. आपको ऐसे का maximum value बताना है, निकालना है, जो दोनों fertilizer का weight बता सके exact number of times, measure कर सके exact number of time. ठीक है, find the maximum value of weight. अब आपने इस weight से और इस weight से confuse नहीं होना, ये individual bags का weight दिया हुआ है, कि जो bag था वो individual इतने इतने के bag है, right? बट ये जो है ये वो वेट पूछा है. याद है जो जब हम मम्मा सब्जी लेने जाते हैं तो वो बैलेंस जो तकड़ी होती है वहाँ पड़ी हुई, बैलेंस जिसको बोलते हैं, या हम शॉप में जाते हैं कुछ लेने जाते हैं शॉपकीपर से, तो फॉर मेजरिंग द वेट्स जो वो रखे होते हैं ना, उन्होंने ऐसे बने हुए वेट डिफरेंट डिफरेंट, 1 किलो का, आधा किलो का, है ना, 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, वो पड़े होते हैं जिससे वो बैलेंस में तकड़ी में मेजर करते हैं कि कोई चीज़ का वेट कितना है. ये वो वाला वेट है, ये वाला वेट नहीं है कि उसका भार इतना है, ये भार वाला नहीं है, ये मेजर करने वाला वेट पूछा है. तो उन्होंने बोला है कि अगर उसने, रेनू ने ये 2 बैग खरीदे हैं और अगर वो उसको अब मेजर करना चाहते हैं, एग्जैक्ट मेजर करना चाहते हैं, तो वो कितने वाला, जो उसको बोलते हैं ना कि वो रखे, बैलेंस रखे, जिसको बट्टा भी बोलते हैं पंजाबी में और हिंदी में, आई डोंट नो, ठीक है, तो ये बोलते हैं, तो उसको वो हमने निकालना है जो बैलेंस में, जो ऐसे तकड़ी सी बनी होती है ना, उसमें रखने वाला जो होता है, उसमें रखने वाला होता है ना, इसमें ऐसे बैलेंस होती है ऊपर बनी हुई, वो मेजर होता है. और जब इतना बड़ा भार करना हो तो ऐसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स के भी पड़ा होता है जहाँ ये बोलते हैं कि यहाँ पे खड़े हो जाओ और अपना वेट मेजर करो, यहाँ पे आता है, तो इतने वेट मेजर करने के लिए ये वाली बैलेंस यूज़ होती है. तो हमें वो वेट का निकालना है, ठीक है. तो लेट स्टार्ट. अब सबसे बड़ा हिंट ये है कि अगर आपने यहाँ लिखा हो मैक्सिमम, ठीक है, अब यहाँ लिखा है मैक्सिमम वेट कितना होगा, तो मैक्सिमम में आपने क्या करना है, हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम में हम निकालेंगे HCF. क्यों? क्योंकि H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट इज सेम एज मैक्सिमम, तो हाईएस्ट और मैक्सिमम तो एक ही बात हुई ना, तो हाईएस्ट और मैक्सिमम एक ही बात है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे HCF. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.7 क्लास 6 मैथ्स. अब पहले देखो, हम लिखेंगे वेट ऑफ फर्टिलाइज़र इज इक्वल टू, अब वेट कितना है, 75 kg एंड 69 kg, ठीक है, वेट ऑफ फर्टिलाइज़र ये है. तो अब हमने निकालना है HCF. कैसे निकालते हैं HCF? अब टू फाइंड द एग्जैक्ट वेट वी विल फाइंड HCF, ठीक है. अब HCF का सबसे आसान तरीका होता है ये वाला, बाई डिवीजन मेथड. ओके, सो 69 डिवाइडेड बाई 75, तो 1 ज़ा यहाँ गया 69, माइनस करो क्या आ गया, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, यहाँ तो आ गया 0. अब 6 इधर, 69 अंदर, करो 6, यहाँ आ गया 9, 1, 6, यहाँ आ गया 3, अंदर आ गया 6, 3 2 6, राइट. सो HCF क्या आया, 3. सो द रिक्वायर वेट इज, so the required weight to measure the bags exact number of times is 3 kg. sorry, मैं writing थोड़ा सा आज messy हो गई है. okay, but I hope you have understood the first question. the best hint is maximum लिखा है in question में, जो story sums type के question है, ठीक है, उनमें अगर मैक्सिमम लिखा है तो आपको निकालना है HCF. ओके, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. बाय.